ब्रह्म ही आनंद है, आनंद ही ब्रह्म है। हम आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से परमात्मा स्थित है। रसो वैसा संसार से जितना कुछ भी प्राप्त होता है, एक मानव प्राप्त कर सकता है, उसकी एक सीमा है, एक सीमा तक है वो जो कुछ भी है संसार का। सीक बूंद सम जगत सुखा, कसा समुंदर जान। परमानंद को किमी कहूं, सक्य वचन नहीं ज्ञान। कैसे समुद्र के गर्भ में शांति ही शांति है, समुद्र के ऊपरी तट पर तरंगे लड़ रही हैं, समुद्र के बाह्य धरातल पर तरंगे आपस में लड़ रही हैं। तरंगों के लड़ने से चित्र विचित्र दृश्य दिखलाई पड़ रहा है, कोलाहल हो रहा है, अशांति हो रही है, संघर्ष हो रहा है, क्योंकि तरंगे लड़ रही हैं समुद्र के ऊपरी तट पर। पास खड़े पर्वत से, पास खड़े पर्वत से ये तरंगे टकरा कर वापस लौट आती हैं। पर्वत खड़ा है समुद्र के बाह्य धरातल पर, समुद्र के ऊपरी तट पर ये तरंगे लड़ रही हैं आपस में। इसी समुद्र के गर्भ में, इसी समुद्र के अंतराय में, इसी समुद्र के अंतस्थल में कोई तरंग लड़ रही है क्या? इसी समुद्र के गर्भ में कोई अशांति है क्या? इसी समुद्र के अंतराय में कोई संघर्ष है क्या? समुद्र के गर्भ में शांति ही शांति है, समुद्र के अंतराय में निरवता है, स्तब्धता है, सहजता है, स्वाभाविकता है, वहां शांति ही शांति है, वहां कोई तरंग लड़ नहीं रही उसी समुद्र के गर्भ में। एक हमारा भौतिक पक्ष है और एक हमारे जीवन का आध्यात्मिक पहलू है। अनंत शांति का स्रोत हमारे भीतर छिपा है, अनंत प्रकाश हमारे भीतर है। हम गायत्री मंत्र में क्या प्रार्थना करते हैं? भीतर के अंधेरे को मिटा दो प्रभु, अंतःकरण को ज्ञान के प्रकाश से भर दो प्रभु। प्रकाश के साथ रहना हमें अच्छा लगता है, आध्यात्मिक ज्ञान के साथ ही जीवन का विकास हो सकता है। आत्म कल्याण के लिए आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं, अनिवार्यता है ब्रह्म विद्या विहंगम योग की। अंधेरी रात में, अंधेरी रात में अकेले चलता हुआ व्यक्ति सामने खड़े सूखे पेड़ को, ठूंठ को भूत समझ लेता है कि भूत खड़ा है, डर जाता है। जहां अंधेरा है वहां केवल अंधेरा है क्या? चलो भाई अंधेरा है, दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं है कि अंधेरा है केवल। जहां अंधेरा है वहां भय है, अंधेरा ही नहीं है वहां केवल, अकेला भय है वहां।
वहां डर है, वहां भ्रांतियां हैं, वहां संशय है, वहां अज्ञान है, वहां असत्य है, वहां केवल अंधेरा नहीं है। अंधेरी रात में अकेले, अमावस की रात में अकेले चलता हुआ व्यक्ति सामने खड़े सूखे पेड़ को भूत समझकर डर जाता है। जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश की आवश्यकता है, जीवन में सद्गुरु के अनुभव की जरूरत है, जीवन में साधना के अनुभव की जरूरत है, जीवन में स्वरवेद की आवश्यकता है, सेवा सत्संग और साधना की आवश्यकता है, जिससे जीवन है क्या इसका अनुभव हो जाए। कौन हूं मैं, कौन हूं मैं, कहां से आया, क्या कर रहा और जाना कहां है। एक साधक अपने लक्ष्य पर सदैव केंद्रित है, उसके विचार उपयोगी हैं, उसके चिंतन उपयोगी हैं, वह सेवा सत्संग और साधना के प्रकाशमय पथ पर आगे बढ़ रहा है, प्रकाशमय पथ पर आगे बढ़ रहा है। तो जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश की आवश्यकता है। हर मोड़ पर सत्संग चाहिए, हर मोड़ पर सत्संग चाहिए। समुद्र में नौका है, इस नौका पर कंपास लगा है, दिशा सूचक यंत्र लगा है, अथाह जल राशि है, नौका यूं ही घूम रही है क्या इधर से उधर? नौका ये समुद्री जहाज एक निश्चित मार्ग पर चलकर, एक निश्चित मार्ग पर चलकर अपने लक्ष्य पर पहुंचती है, यूं ही नहीं भटक रही अथाह जल राशि में समुद्र में। ये संसार सागर है, एक निश्चित प्रकाशमय पथ पर ही चलकर लक्ष्य तक पहुंचा जाता है, पहुंचा जा सकता है। हर मोड़ पर, जीवन के हर मोड़ पर सत्संग चाहिए, सेवा भाव चाहिए, साधना का बल चाहिए, यूं ही नहीं। बीत सकती है जिंदगी, मैं तू यह वह, अनादिकाल से आत्मा, अनादिकाल से आत्मा सुबह शुभ कर्मों को करता हुआ इस संसार सागर में है। अनादिकाल से आत्मा शुभ शुभ कर्मों को करता हुआ इस संसार सागर में है। जैसे नदी में लकड़ी का टुकड़ा बहता जा रहा है, यह नदी में बहता हुआ टुकड़ा जल के प्रवाह के साथ कहाँ जाएगा, वो बहा जा रहा है। अनादिकाल से आत्मा शुभ शुभ कर्मों को करता हुआ इस संसार सागर में बहा जा रहा है। एक साधक क्या चिंतन करता है, एक आध्यात्मिक व्यक्ति का क्या चिंतन है, एक प्रकाश पथिक का क्या चिंतन है, वो क्या विचार करता है? वो यही विचार करता है कि अनादिकाल से शुभ अशुभ कर्मों को करता हुआ मैं इस संसार सागर में हूं। अनादिकाल से मैंने नाना प्रकार के सुखों को, मैंने नाना प्रकार के दुखों को, मैंने नाना प्रकार के भोगों को, मैंने नाना प्रकार के पदार्थों को, मैंने नाना प्रकार के संबंधों को भोगा है। मैं तू यह वह, तेरा मेरा, ये सुख ये भोग ये दुख,
नाना प्रकार के सुखों को, नाना प्रकार के दुखों को, नाना प्रकार के भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को मैं अनादिकाल से भोगता चला रहा हूं। मैं अनादिकाल से भोगता चला रहा हूं। ये जो मेरा वर्तमान समय है, ये जो मेरा वर्तमान शरीर है, ये जो मेरा वर्तमान जीवन है, पूर्व के भांति केवल संसार के भोगों में समाप्त नहीं हो सकता, सुख और दुख में नष्ट नहीं हो सकता, बल्कि मेरे जीवन का आध्यात्मिक निर्माण होगा, आत्म कल्याण होगा। ऐसा ही चिंतन करता है, बैठ जाता है, स्थिर होकर, शांत होकर, शांत चित्त होकर वह विचार करता है। श्रेष्ठ विचारों की शक्ति से, श्रेष्ठ विचारों की शक्ति से जीवन अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ता है। श्रेष्ठ चिंतन से, विराट चिंतन से, व्यापक चिंतन से उसके जीवन का आध्यात्मिक विकास होने लगता है। वो विचार करता है अनंत अनंत जन्म और जीवनों से सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को भोगते बहा जा रहा हूं इस संसार सागर में, जैसे मानो नदी का टुकड़ा बहता जा रहा हो। ये जीवन है क्या, इसका अनुभव हो, परम आनंद का अनुभव हो, परम सत्य का अनुभव हो। हम जीवन कहे, हम सत्य कहे, दो बात है नहीं, एक ही है। जीवन को ठीक ठीक समझ लिया, जीवन को ठीक ठीक समझ लिया, इसका अर्थ है कि परम सत्य का अन्वेषण कर लिया, परम सत्य को जान लिया। यही विचार करता है, जीवन का आधार परमात्मा है, सर्वाधार परमात्मा है, आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से परमात्मा स्थित है। तो श्रेष्ठ विचारों से, विराट विचारों से, श्रेष्ठ चिंतन से जैसा सोचता है, जैसा विचार करता है, जैसा मनन करता है, उसी दिशा में वो आगे बढ़ने लगता है, वो लक्ष्य की तरफ बढ़ता है। वो जानता है शरीर क्या है, वो जानता है संसार क्या है, ये भोग क्या है, ये पदार्थ क्या है, ये संबंध क्या है। उलझ कर नहीं रह सकता, घर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए इससे अलग भी है। गंगा में स्नान करना अच्छा है, गंगा में डूबकर प्राणों को गंवाना अच्छा नहीं है। घर में रहना है, परिवार में रहना है, डूब नहीं मरना है, इससे अलग पदार्थों का अनुभव करना है। तो हमारी चेतना का ऊर्ध्वमुखी विकास हो, हमारा आत्म कल्याण हो, परमानंद का अनुभव हो, जीवन है क्या इसका अनुभव हो, एक शिष्य के अंदर, एक शिष्या के अंदर जो श्रद्धा भाव है सद्गुरु के प्रति कल्याणकारी है। श्रद्धा आंतरिक धन है। हमने नहीं देखा उस मार्ग को, हमने परम सत्य का अन्वेषण नहीं किया। उपनिषद में ऋषि क्या कहते हैं, चुरस्य धारा अनुचिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत कवयो वदंती। वह मार्ग कैसा है, जैसे मानो तलवार पर चलने के समान हो,
हमने उस मार्ग को नहीं देखा, हमने उस मार्ग का साक्षात्कार नहीं किया, तो क्या हम हताशा में चले जाएं, निराशा में चले जाएं? जिसने उस परम सत्य का अन्वेषण किया, जिन्होंने उस परम सत्य का साक्षात किया, ऐसे सदगुरु के प्रति जो सत्य पर विश्वास है, श्रद्धा भाव है, एक शिष्य के लिए, एक शिष्या के लिए कल्याणकारी है। सद्गुरुदेव ने परम सत्य का साक्षात किया, उनके बताए पथ पर चल पड़े तो चल पड़े। हमने नहीं देखा तो क्या हुआ, उसने तो देखा, उसने तो उसका साक्षात किया है, परम आनंद का अनुभव किया है, परम शांति का अनुभव किया है। महाजनो ये न गता सपन था, हमने कहां का रास्ता देखा है? जिन्होंने परम सत्य का साक्षात किया, जिन्होंने परमानंद का अनुभव किया, जिन्होंने स्व इच्छा से अपने भौतिक शरीर का परित्याग किया, उस महान सत्ता के बताए रास्ते पर हम चल पड़े, सत्य पर हमने पूर्ण विश्वास कर लिया। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा का अर्थ है सत्य पर पूर्ण विश्वास, और विश्वास कर लिया तो कर लिया, बात खत्म। अद्भुत मार्ग योग विहंगम, अद्भुत मार्ग योग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुंचाऊंगा, अमर लोक पहुंचाऊंगा। महाप्रभु, महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा, महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहें सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा, आवागमन मिटाऊंगा, आवागमन मिटाऊंगा। इसका अर्थ क्या है? समस्त प्रकार के दुखों से सर्वथा निवृत्त कर दूंगा। आप हो क्या, इसका अनुभव कर लो, अपने स्वरूप में स्थित कर दूंगा, परमानंद का अनुभव करा दूंगा, प्रकृति से परे पदार्थों का अनुभव करा दूंगा। ऐसी उद्घोषणा का सामर्थ्य हम सबों के परमाराध्य सद्गुरुदेव का है, सद्गुरुदेव का है। तो शक्ति आज भी हम सबका मार्गदर्शन करती है, सत्य पर विश्वास, सत्य पर विश्वास कर लिया तो कर लिया, यही श्रद्धा है। श्रद्धा का क्या अर्थ है? हमने नहीं देखा उस मार्ग को, हमने परम सत्य का अन्वेषण नहीं किया तो क्या हुआ? अरे जिन्होंने किया, उनके बताए पथ पर हम आगे चल पड़े। सत्य पर पूर्ण विश्वास, वेद पर पूर्ण विश्वास, साहेब की वाणियों पर पूर्ण विश्वास, स्वर वेद पर पूर्ण विश्वास कर लिया तो कर लिया, उस पथ पर आगे बढ़ चले। गीता में योगीराज कहते हैं, विश्वासो फलदायक, विश्वासो फलदायक, श्रद्धावान श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। श्रद्धावान परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है, एक श्रद्धा के स्थिर होने से, सत्य पर विश्वास उसने स्थिर कर लिया, सत्य पर अपना विश्वास दृढ़ कर लिया, परम ज्ञान को वो स्थित हो गया। गीता में योगीराज कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरेणाधिगच्छति। ज्ञान को जब उपलब्ध हो गया तो परम शांति में स्थित हो गया। विहंगम योग सद्गुरुदेव का स्वरवेद, ज्ञान का वह अनंत प्रकाश है जो अविद्या को, मिथ्या ज्ञान को, झूठ को, असत्य को नष्ट कर हमारे जीवन का आध्यात्मिक कल्याण करता है।